नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर खुले। आज हम बात करेंगे उत्तम नगर के एमएलए, आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान जी से। उनसे जानेंगे कुछ खास बातें, उनकी चुनाव नीति क्या रहेगी आगे, या अभी आगे वो एमसीडी के चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, उस नीति के रणनीति के बारे में आज हम उनसे कुछ खास जानेंगे। जी देखिए, अभी जो पंजाब का रिजल्ट आया है, पंजाब के जो इंदिरा जो कुप्पा डॉ पंजाब के बच्चे बैठे हैं, पंजाब के लोगों ने खुशा और पंजाब के रिजल्ट ने ये तय कर दिया कि आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी ये ऑप्शन है। कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का कुछ नहीं बचा, तो अब लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। ईमानदार पार्टी है, अच्छी है, गुजरात है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन सारी स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी सब फॉर्म में जा रही है। और जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया, आपको पता है कोशिश है उसी के इलेक्शन के लिए करती है, तो शायद देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटे अनाउंस करी स्टेट को चुनाव को, एक घंटा पहले आके वो कह रहे कि इसको उसी की वो एक कर रहे हैं, वो एक करने वाला या कुछ और कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि उनको रिजल्ट पता था। मैंने चेक देखा, उनका सर्वे था, आम आदमी पार्टी 250 सीटों जीती थी, उसी को देखते हुए उन लोगों ने चुनाव पोस्टपोन कर दिया। लेकिन चुनाव पोस्टपोन रखें 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद चुनाव तो करवाना पड़ेगा, लेकिन और चुनाव करवाना पड़ेगा तो बीजेपी को पता है कि अगली बार जो 15 साल से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने करप्शन किया है, लड़ाई की है, अवैध बनवा है, तो वो सारा का सारा हिसाब बीजेपी को अभी चुनाव के अंदर देना है। जी बालिया जी, जैसे कि बीजेपी का ये भी कहना है कि आप लोगों ने एक शुरू किया था मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया हुआ है जो चल रहा है आप लोगों का, और उसमें ये था कि 5 मीटर की दूरी पर एक क्लिनिक जरूर होना चाहिए, और वो आप लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर लगभग 1500 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहे, बाकी वो जो दिल्ली सरकार वो हर वार्ड के अंदर 5-5 मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, तकरीबन 3000 के आसपास। लेकिन दिल्ली में समस्या क्या है कि लैंड दिल्ली सरकार के पास नहीं है, पीडीए का परमिशन नहीं दे रहा, एमसीडी के अगर कोई लैंड है कोई वहाँ परमिशन नहीं मिल रही। हम लोगों ने जल बोर्ड के कार्यालय के अंदर बीएससीएससी के कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के कार्यालय, बहुत जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, और जिनसे आप ये कह रहे हैं कि पूरा नहीं है, गलत है। मेरी विधानसभा के अंदर आज लगभग 11 मोहल्ला क्लिनिक हैं और 4 मोहल्ला क्लिनिक और पाई गई, 15 मोहल्ला क्लिनिक हो गए, 7 डिस्पेंसरियाँ हो गई, पूरे क्लिनिक हो गए, आप हॉस्पिटल बन नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं हुआ हुआ है। लेकिन कुछ जगह अगर मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट, तो मैं बता रहा हूँ आपको 400 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक, 500 के आसपास और पेंडिंग है, तो टाइम दिए थे सामने लास्ट में हम लोग मोहल्ला क्लिनिक। भले जी, उनका ये भी कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक की जगह इन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कि कोई भी आदमी जब सदस्यता लेता है आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी, तो उन लोगों को जैसे स्कूल में बच्चा जाता है किसी भी सीखता है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्टिंग में कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मान लें। ये दिल्ली के लोग दो चुनाव में कोई बात बता चुके हैं कि रूमर फैलाने में, लोगों को बरगलाने के अंदर बहुत कोशिश करते हैं। पहले जब ये पॉलिसी आई, इस पॉलिसी से पहले 894 शराब की दुकानें दिखती है अगर, और आज 600 दुकानें हैं, कोई दुकान बढ़ी नहीं, उल्टा 250 के आसपास दुकानें कम हो गई, लेकिन इन लोगों ने हल्ला मचा रखा है। अब ये हल्ला क्यों मचा, जो दुकानें कम हुई है ना, लेकिन उनका ये कहना है कि वो दुकानें हमने जो प्रदर्शन किए हैं या हमने जो मतलब आपत्ति उठाई है उसकी वजह से इन्होंने बंद किया। बिल्कुल, ये तो प्रदर्शन ठीक करेंगे। अब मैं उसको बता रहा हूँ, जितने भी काउंसलर्स हैं के, हर काउंसलर के और सांसद के, जितने भी जो अवैध शराब बेचते हैं दिल्ली के अंदर, जिनको सासी बोलते हैं, तो उन सबसे इनकी मंत्री बंदी हुई है, हर महीने लाखों रुपए वो जो अवैध शराब बेचने वाले हैं वो इनको मंत्री देते हैं, इनके काउंसलर्स को देते हैं, सांसदों को देते हैं, तो उनकी दुकान पॉलिसी को फेल करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका नेक्सस टूट जाएगा, वो नेक्सस टूट जाएगा तो उसी नेक्सस को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी पॉलिसी लेके आई थी, और आज अगर ये विरोध कर रहे हैं तो ये अवैध शराब को बढ़ावा देने के लिए तो विरोध कर रहे हैं, नकली शराब को रोकने के लिए सरकार ये पॉलिसी लेके आई थी, अवैध शराब बेचने के रोकने के लिए सरकार ये पॉलिसी लेके आई थी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने शुरू किया था कि महिलाओं के लिए डीटीसी फ्री कर दी गई है, लेकिन कल से आप लोगों ने लेबर तबके के लिए भी फ्री कर दी है, उसके ऊपर भी बीजेपी आपत्ति उठा रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले पुराने समय में लोग कहते थे कि राज के अंदर सा जाओ,
राजबंधन सरकार के ऊपर कोई साझा नहीं साझा किसका होता था पहले बड़े बड़े नेताओं का कोई एम एल ए बन गया कोई मंत्री बन गया कोई सांसद बन गया कोई अधिकारी बन गया कोई सरकारी नौकरी बन गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली के लोग हैं नागरिक हैं उस हर परिवार की साझेदारी आज की सरकार के अंदर है। वो कैसे है चाहे बिजली की बात कर लीजिए पानी की बात कर लीजिए अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूल और आपके हॉस्पिटल अच्छे हो गए महिलाओं के लिए और भी लेबर पास अगर मान लीजिए कोई लेबर काम करता है उसका 14-14.5 हज़ार रुपये के आसपास जो मिनिमम वेज तय कर रखती है सरकार ने। अब अगर मान लीजिए वो अपने घर से 30 किलोमीटर दूर नौकरी करता है तो तकरीबन अगर एक टाइम का टिकट लेगा तो 30 रुपये जाने के और 30 रुपये आने के तो मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये उस आदमी के उसके अंदर खर्च हो जाते हैं। आज अगर वो 2-2.5 हज़ार रुपये बचेंगे उस परिवार को गरीब परिवार को कोई लेबर क्लास है कोई मिस्त्री है कोई सर्कल मैकेनिक है जिस भी तरीके का काम करेगा तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये अपने परिवार के ऊपर खर्च करेगा अपने परिवार के बच्चों के ऊपर लगाएगा तो इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है। जो नागरिक है वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए तीर्थ यात्रा का भी शुरू किया सुनने में आया है कि आप लोग तीर्थ यात्रा भी करवा रहे हैं उन लोगों को तो ये क्या प्रोसीजर है आपका कैसे कैसे कहाँ कहाँ भेजते हैं आप। देखिए आम आदमी पार्टी इतनी सारी स्कीम्स लेके आई है ये जो तीर्थ यात्रा स्कीम है ये 60 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग अगर मान लीजिए हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी जम्मू कटरा और अमृतसर वाघा बॉर्डर रामेश्वरम तिरुपति बालाजी बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है पुष्कर है अजमेर है तो बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ अगर कोई बुजुर्ग जाना चाहता है 60 साल का और अपने एक अटेंडेंट अपने साथ मान लीजिए उसके परिवार में 22 साल का उसका बेटा है उनका उन लोगों को एक आदमी के साथ एक अपना कैंडिडेट एज अटेंडेंट लेके जा सकता है। तो ये देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है जो इस तरीके की पॉलिसी देते हैं और अब तक मेरे को लगता है कि 80,000 के आसपास दिल्ली के लोग इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। अभी 3-4-5 डेस्टिनेशन पे की सरकार ने और भी जोड़ दी और जहां जहां से जो जो लोग सुझाव दे रहे हैं कुछ डेस्टिनेशन और जुड़नी चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और अगर बुजुर्ग आदमी तीर्थ यात्रा पे जाना चाहे अगर उसकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है फाइनेंशियल पोजिशन ठीक नहीं है तो आम आदमी पार्टी ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो लोग जहाँ भी जाना चाहेंगे तो सरकार अरेंजमेंट करा के घर से गाड़ी देने के लिए आएगी ट्रेन में 5-7 होटल की तरह फैसिलिटीज है खाना पीना सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी और वापस उस बुजुर्ग को वापस घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। एक ये जो इन्होंने एकदम से तीनों निगम एक कर दिए हैं चुनाव एमसीडी के चुनाव आने से पहले इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए एमसीडी मैंने बताया आपको अमित शाह जी ने सर्वे करवाया दिल्ली का सर्वे के अंदर 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही थी अब जीत रही थी तो अब तक एक मैसेज था कि भाई आम आदमी पार्टी जहां भी बनी है कांग्रेस को हटा के बनी है लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से निगम के अंदर थी आम आदमी पार्टी जीत रही थी तो गुजरात और हिमाचल का चुनाव था ये दिल्ली वाला मैसेज सारे देश में जाता तो इस वजह से इन लोगों ने चुनाव को पोस्टपोन कर दिया इतना ही पोस्टपोन करके 2 महीने 6 महीने 7 2 साल करवाएंगे ना चुनाव जिस दिन भी चुनाव करवाएंगे आम आदमी पार्टी उन लोगों से सरकार बनाएगी लोग इनके करप्शन से भ्रष्टाचार से इनकी गुंडागर्दी से परेशान है बदलाव चाहते हैं और 100% आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। वारिया जी बस आखिरी सवाल उस चुनाव को लेकर गुजरात और हिमाचल में चुनाव है और जैसा कि अभी पंजाब में भी आप लोगों ने फतेह की है तो क्या गुजरात और हिमाचल में भी आप लोग इसी तरह से चल रहे हैं वही रणनीति रहेगी आप। देखिए क्या अच्छे स्कूल अच्छे हॉस्पिटल अच्छे ये सारा का सारा बिजली पानी क्या केवल दिल्ली और पंजाब के लोगों को चाहिए ये क्या सारे देश की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई आदमी किसी के पास फीस प्राइवेट स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं करवाता था कोई भी लेकिन आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर गरीब का बच्चा किसी जज का पुलिस अधिकारी का आईएएस का बच्चा आज बहुत सारे स्कूल ऐसे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं शिक्षा वाले का बच्चा भी और आईएएस का बच्चा भी। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था बदलाव के लिए कि राजनीति बदलनी है तो वो आज सारी की सारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दिल्ली में कर दिया पंजाब में करने जा रहे हैं और ये सारी फैसले सारे देश के लोगों को चाहिए ऐसा नहीं दिल्ली और पंजाब को चाहिए गुजरात को भी चाहिए हरियाणा को भी चाहिए और राजस्थान को भी चाहिए सारे देश को चाहिए। आने वाला आप देखना अब पहले मोदी जी 2014 में गुजरात मॉडल लेके आए थे झूठा मॉडल था ठीक है जो वास्तविक कहीं नहीं था लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल सारे देश में चल रहा है। धन्यवाद। तो ये थे
उत्तम नगर के एमएलए नरेश बालियान जी, उनका कहना है कि हम आने वाले समय में पूरे देश में जो हमने फैसिलिटीज दिल्ली और पंजाब में दिए वो हम पूरे देश में देंगे, क्योंकि ये सब फैसिलिटीज, ये सब जो आवश्यकताएं हैं पूरे पूरे देश की जनता की है। नमस्कार, आप देखते रहिए नजर पूरे।